फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुक विद अंजलि। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ शाही टुकड़े की रेसिपी। शाही टुकड़ा बनाना बहुत ही आसान है और इसकी रेसिपी भी बहुत ही सिंपल है। अभी फेस्टिवल्स का टाइम चल रहा है तो बहुत सारी स्वीट्स हम घर पे बनाते हैं, उनमें से शाही टुकड़ा एक है। तो आइए देखते हैं शाही टुकड़ा बनाने के लिए मैंने क्या क्या तैयारियाँ की है। शाही टुकड़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम चाशनी बनाएंगे। चाशनी बनाने के लिए मैंने एक बर्तन में एक कप चीनी डाला है। मैं उसमें डालूंगी 1.5 कप पानी का। तो मैंने यहाँ पे 1.5 कप पानी डाल लिया है। मैं फ्लेम को मीडियम टू लो रखूंगी। यहाँ पे मैंने ब्रेड के टुकड़ों को बीच से कट कर लिया ट्रायंगल शेप में। ऐसे ही मैं सारे ब्रेड के टुकड़ों को कट कर लूंगी। साइड पार्ट्स आप चाहे तो कट कर सकते हैं, अदरवाइज इससे टेस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता, टेस्ट अच्छा ही आता है फ्राई होने में। यहाँ पे चीनी बिल्कुल घुल गई है पानी में। हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा सैफ्रॉन। सैफ्रॉन मैं यहाँ पे इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि इससे कलर भी अच्छा आएगा और टेस्ट भी इनहेंस होगा। मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून इलायची पाउडर ऐड किया है। यहाँ पे मैंने गैस पे ऑयल गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है। आप चाहे तो घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैंने ऑयल का इस्तेमाल किया है। मैंने ब्रेड के टुकड़ों को तलने के लिए डाल दिया है। जैसे ही ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे हमें इन्हें निकालना है। देखिए ये बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, मैं इन्हें निकाल कर प्लेट में रख दूंगी। मैंने टिश्यू पेपर एक प्लेट में डाल रखा है, मैं उसमें ही निकाल कर रख दूंगी। मैं फिर से 2 ब्रेड के टुकड़ों को इसमें डाल दूंगी। मैं ज्यादा ब्रेड के टुकड़े नहीं डाल रही क्योंकि इससे पलटने में प्रॉब्लम होगी। जैसे ही ये गोल्डन ब्राउन होते हैं हमें इन्हें निकालना है। ये देखिए चाशनी में बहुत ही अच्छा कलर आ गया है। थोड़ी और गाढ़ी होगी चाशनी, इसलिए मैंने इसे धीमी आंच पे ही रखा है। ये बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, हम इन्हें निकाल लेंगे। चाशनी ऑलमोस्ट रेडी है हमारी। मैंने गैस को ऑफ कर दिया है, इसे थोड़ी देर के लिए मैं ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी। अभी मैं तैयार करूंगी शाही टुकड़े के लिए एक स्प्रेड, जिससे कि बहुत अच्छा टेस्ट आएगा शाही टुकड़ों में। मैंने एक पैन गैस पे चढ़ाया है, मैंने 1/2 कप मिल्क डाला है। मिल्क में मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 कप चीनी का। चीनी जैसे ही घुल जाएगी मैं उसमें ऐड करूंगी 1 कप मिल्क पाउडर। मैंने मिल्क पाउडर ऐड करके इसे अच्छे से चलाया है, इसमें कोई भी लम्स नहीं होने चाहिए, तो मैं इसे लगातार चला रही हूँ। मैंने फ्लेम को बिल्कुल लो पे रखा है, अगर हम हाई फ्लेम पे करेंगे तो ये जल जाएगी। इसमें ऐड कर रही हूँ 1 पिंच सैफ्रॉन का। सैफ्रॉन से इसमें भी अच्छा कलर आएगा और टेस्ट भी काफी अच्छा रहेगा। मैंने इसमें 1/2 टीस्पून डाला है इलायची पाउडर। अब ये बिल्कुल रेडी है, हमें इसे और ज्यादा गाढ़ा नहीं करना है। ये कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है स्प्रेड के लिए। तो लीजिए तैयार है स्प्रेड, इसे थोड़ा ठंडा होने के लिए साइड में रखते हैं। मैंने अब फ्राई किए हुए ब्रेड के टुकड़ों को चाशनी में डालना शुरू किया है। चाशनी में बहुत ही अच्छा कलर आया है सैफ्रॉन की वजह से। कलर तो अच्छा आया है बट टेस्ट भी काफी अच्छा होता है। मैंने अच्छे से चाशनी में इसे ब्रेड के टुकड़ों को पलट पलट कर अच्छे से डुबो दिया है। लीजिए तैयार है शाही टुकड़े।
मैं इस पे स्प्रेड डालूंगी। स्प्रेड में थोड़ा ही डालूंगी, बहुत ज्यादा नहीं डालूंगी, नहीं तो ये टुकड़े बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। मैंने इस पे बारीक कटी हुई पिस्ता और बादाम डाला है गार्निशिंग के लिए और थोड़े से सैफ्रॉन डाले हैं। आप चाहे तो स्प्रेड खाते वक्त ले सकते हैं, मैंने इस पे थोड़ा सा ही स्प्रेड डाला है। आप फ्रिज में भी रखकर खा सकते हैं इसे, टेस्ट काफी अच्छा है इसका। और अभी फेस्टिवल्स में आप इसे बना सकते हैं, बच्चों को बहुत ही पसंद आती है ये मिठाई। तो आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।